हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखो हमने कल 14 के प्रश्न को स्टार्ट किया था और देखो मैंने आपको उसमें उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे उनके मैंने आपको स्टडी करवाई थी और उसमें जिसे आपने दिक् अनुपात के बारे में कल सीखा था। और अगर हम इन्हीं दिक् अनुपात की बात करें तो इसमें आप कुछ और इस तरह से प्रश्न देख लो। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रश्न आ रहा है इसमें कि जैसे आपका 14.1 का प्रश्न संख्या 4 है, वो देखिए मेरे एक बार आप इसमें लिखा है यानी एक सदिश आर एक्स वाई जेड अक्ष के साथ क्रम से 45, 60, 120 का कोण बनाता है, यानी अल्फा बना रहा है 45 का, बीटा 60 का और गामा बना रहा है 120 डिग्री का। तो आपसे पूछा क्या है, तो यदि सदिश R का परिमाण 2 इकाई हो, जो आपको सदिश R दिया गया है उसका परिमाण आ रहा है 2 इकाई, तो जो आपको R है सदिश, उस सदिश को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब आप किसी भी सवाल में तीनों अक्षीय के साथ बनाए गए कोण दिए जाएं तथा साथ में उसका परिमाण दिया जाए तो उसमें आपको सदिश R निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सदिश R बराबर R का परिमाण एल आई प्लस एम जे कैप प्लस एन के, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना वहाँ पर पता है। तो यहाँ पर देखिए L क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला हम बाद में काम लेंगे। सबसे पहले देखिए L का मतलब होता है कोस अल्फा, M का मतलब होता है कोस बीटा और N का मतलब होता है कोस गामा, ठीक है ना। तो लिखोगे आप किस लिए, आपको लिखना है सदिश R का स्थिति सदिश, आपको लिखना है स्थिति सदिश, यानी मेरे पास R वेक्टर आएगा कितना, R का परिमाण और L की जगह जगह क्या cos अल्फा i कैप cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। अब यहाँ पर जो R का परिमाण है वो आपको दो देना है, यहाँ पर cos 45 i कैप प्लस cos 60 डिग्री j कैप और cos 120 डिग्री k कैप। ये आपको अभी इसमें क्या करना है, इसको सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर दो तो आएगा मेरे पास सेम, अब जो ये आपका मान बनेगा वो क्या आएगा, 1/√2 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। इसका मान होता है 1/2 जे कैप प्लस यहाँ पर जो कोस 120 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, कोस 90+30 हो गया। तो यह आता है साइन 30 आता है मेरे पास, सेकंड में क्या होता है माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2 के कैप। अब ये जो आपने इस तरह से लिख दिया है, अब देखिए इसको सरल करने पर आपके पास अभी क्या देगा, आपको इसका जो मान है वो भी ये लिख देना है, यानी यहाँ पर तो मेरे पास देखो ये 12 पड़ा है पहले से, अब अंदर वाला जो मान आपका है, एक बार देखो आप इसका जब परिमाण भी निकालते हो ना तो भी इसका परिमाण क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो इसको आप 2 को अंदर गुणा कर दो तो मेरे पास आ रहा है √2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस से के कैप। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, सदिश R था उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। तो मैंने बोल दिया जब आपको परिमाण दिया जाए और तीनों कोण दे दे तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप जो अपना मान है वो प्राप्त कर सकते हो। अब देखो इसी तरह से आप इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं आगे, जैसे मान लो 14.2 है, देखो 14.2 से देखो संबंधित जो आपके प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिए, आपको इसमें या तो एक बिंदु दिया जाएगा और उसके समांतर आपको कोई सदिश दिया जाएगा, या आपको क्या दिया जाएगा, एक आपको दो बिंदु दिए जाएंगे और आपसे रेखा का समीकरण वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब इसी श्रृंखला में देखो आपको एक प्रश्न वो देखो भी करवा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है एक सवाल है जिसमें आपके पास दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया है, तो उस तरह का आप एक सवाल भी देख लो। जैसे मान लो उस सवाल की बात कर रहे हैं तो उस सवाल के हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आप इसमें मान सकते हो कि जैसे मान लो मेरे पास है, देखो दो बिंदु मेरे पास ही आ रहे, मान लो एक तो मेरे पास क्या है 3 -2 -5 तथा मान लो दूसरा मेरे पास क्या है बिंदु, ये मान लो 3 -2 और 6, इनसे गुजरने वाली रेखा का आपसे समीकरण पूछा है। रेखा का समीकरण आपको देखो दोनों रूप में निकालना है, रेखा का समीकरण,
तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसमें सदिश रूप की बात करते हैं, सदिश रूप की, तो सदिश रूप का आपका ये होता है आर बराबर ए प्लस लेमडा सदिश बी माइनस ए। तो यहाँ पर ए की जगह आपका माना जाएगा तीन आई कैप माइनस दो जे कैप माइनस पाँच के कैप प्लस लेमडा, और सदिश बी का माना है मेरे पास तीन आई कैप माइनस दो जे कैप प्लस छः के कैप माइनस ए का मान है, फिर तीन माइनस का हो गया और दो जे कैप प्लस का हो गया है, और प्लस का पाँच के कैप किसका हो गया है, प्लस का हो गया है। अब इसको जब आप सरल करते हो तो आपका मानेगा तीन आई कैप माइनस दो जे कैप माइनस पाँच के कैप और प्लस में लेमडा। यहाँ पर मेरे पास जो आए तो इसमें कैसे लो रहा है, और देखो जे भी यहाँ पर साथ में कैसे हो रहा है, तो केवल कहेगा मात्र ग्यारह के कैप आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह से क्या प्राप्त कर लिया है, रेखा का सदिश जो रूप है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो अगर आप इसमें कार्तीय रूप पूछ ले, रेखा का कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप पूछने का मतलब आपको लगाना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन बटा जेड टू माइनस जेड वन। अब यहाँ देखिए एक्स वन का मान तो आपको क्या लेना है, ये एक्स वन वाई वन जेड वन हो गया मेरे पास, तो तीन आ रहा है। एक्स टू का मान तीन माइनस तीन, फिर वाई माइनस यहाँ प्लस दो देगा, फिर आ रहा है मेरे पास कितना माइनस दो प्लस दो, फिर जेड माइनस पाँच, ये प्लस पाँच हो गया और छः प्लस पाँच। इसको सरल करें तो मान आएगा आपका एक्स माइनस तीन बटा जीरो और बराबर वाई प्लस दो बटा जीरो और जेड प्लस पाँच बटा ग्यारह। इसको आपको इसी रूप में छोड़ना है। यह आपने क्या प्राप्त कर लिया है, रेखा का जो कार्तीय रूप है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो अभी हमने क्या सीखा है, रेखा का जो समीकरण है वो प्राप्त करना सीखा है, और उसका कार्तीय और सदिश रूप दोनों सीखे आपने, ठीक है ना। अब देखिए हम दो रेखाओं के बीच का जो कोण निकालना है वो सीख रहे हैं। और तो देखो दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, अगर आपको दो रेखाएं दी जाए और उनके बीच का अगर आपसे कोण पूछे तो कोण किस तरह से निकालना आपको, या तो आपको कोण निकालना पूछेगा वो, या आपसे कोई लेमडा वगैरह का मान पूछ लेगा। अब जैसे मान लो एक प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एक रेखा है और उस रेखा में मान लो मेरे पास ये आ रही है, एक तो आ रही है एक्स बटा दो बराबर वाई बटा दो बराबर जेड बटा एक, एक तो मेरे पास रेखा आ रही है ये, दूसरी है एक्स माइनस पाँच बटा चार बराबर वाई माइनस दो बटा एक बराबर और जेड माइनस तीन बटा आठ। ये मान लो मेरे पास रेखा फर्स्ट है, ये मान लो रेखा सेकंड है। अब देखो इन दोनों रेखाओं से जब आप कंपेयरिंग करेंगे, ये किससे करना आपको, एक्स माइनस एक्स वन बटा ए से जब आप कंपेयरिंग करोगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों रेखाओं के दिक अनुपात। देखो दिक अनुपात में साहब जानते हैं नीचे वाला मान होते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द ध्यान रखना कि यहाँ पर एक्स वाई जेड का गुणांक एक होना चाहिए, दोनों प्लस में होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपको पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास ए वन का मान तो आ गया दो, बी वन का दो, सी वन का एक, फिर ए टू का चार, बी टू का एक और सी टू का आठ, लिख दिया ना। अब आपको लिखना है क्या, जब आपने इनका ये दिक अनुपात लिख दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा दो रेखाओं के बीच का कोण। अब जो कोण निकालने आपने पढ़ाया कोस थीटा बराबर क्या आएगा मेरे पास ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और रूट में बाद में आएगा ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और साथ में आएगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका देखो यहाँ पर मान क्या देगा, ए वन का मान दो है, ए टू का चार, फिर बी वन का दो, बी टू का एक, सी वन का एक, सी टू का आठ, और रूट में मेरे पास क्या रहा है, अभी ये आ रहा है चार प्लस चार प्लस एक, फिर ये मान मेरे पास आ रहा है सोलह प्लस एक प्लस चौंसठ, ये आ रहा है। अब देखिए जब आप इनको आगे सरल करते हैं तो देखो सरल करने पर आपका जो कोण है कोस थीटा वो देखो कितना देगा, यानी मेरे पास कोस थीटा का मान अभी आ जाएगा, ऊपर वाला मान तो आपका हो गया आठ प्लस दो प्लस आठ हो गया, और ये मान आपका कितना आ गया है, इसको जोड़े तो आपका मान होगा रूट नौ, और ये मेरे पास कितना हो गया है, इनको जोड़ोगे तो आप मान का देगा कितना
जैसे पहले हो गया 70-80, कैसे हो गया मान आपका। अब सरल करने पड़ेगा, कोस थीटा बराबर ये 16 और 2 18 हो गए, बटे हमारा 3 × 9 आ रहा है। और देखिए आप काट सकते हो, तो देखो 3 से कट रहा है, अभी कितनी बार, 2 बार कट रहा है, 9 से, तो कोस थीटा मेरे पास आएगा 2/3, और आपका थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, कोस इनवर्स 2/3। तो इस तरह से आप दो रेखाएं होती है उनके बीच में आप कोण प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपने अभी सीखा है दो रेखाओं के बीच में कोण प्राप्त करना। अब देखो कई बार क्या होता है, आपको दो रेखाएं परस्पर लंब दी जाती है और आपको वहाँ पर के और लेमडा का मान पूछते हैं। तो देखिए के और लेमडा का मान आप कैसे प्राप्त करोगे, जब आपको दो रेखाएँ परस्पर लंबवत दी जाएँ। तो देखो अगर हम इस तरह के प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो उनमें आप देख सकते हो, जैसे मान लो अब एक सवाल है मेरे पास, मान लो ये आ रहा है मेरे पास, यानी x माइनस 3/-3 और y माइनस 2/2 के, और फिर आ रहा है z-3/2 आ रहा है। ये तो मेरे पास रहेगा फर्स्ट है, और दूसरा क्या है, x माइनस 1/3 के बराबर y माइनस 1/1 बराबर फिर है z-6/-5। ये रेखा नंबर 2 है। देखो दोनों क्या आ रही है, परस्पर लंबवत आ रही है। अब परस्पर लंबवत है तो आपको इसमें क्या निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आपको इनके दिक अनुपात लिखने, देखो दिक अनुपात लिखने से पहले ये सुनिश्चित करो कि यहाँ पर x का y का z का गुणांक सबका 1 होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ +1 +1, तो मतलब ये निचला मान क्या, डायरेक्ट इनका दिक अनुपात है। तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों रेखाओं के दिक अनुपात। तो यहाँ पर जब आप इनके दिक अनुपात लिखोगे तो A1 का मान तो आ रहा है -3, B1 का 2 के, C1 का 2, फिर A2 का 3 के, B2 का 1, C2 का -5। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, यानी बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर देखो आपका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ये शर्त लगानी है आपको, जब दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उस कंडीशन में A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये शर्त आपको ध्यान में रखनी है। देखो तो अभी शर्त के हिसाब से मेरे पास क्या आएगा, -3 है ना, वो गुणा मारा 3 के प्लस 2 के गुणा मारा किसके, 1 के प्लस 2 आ रहा -5 के इंटू में बराबर 0 आ रहा है। ये माइनस का 9 के है, ये प्लस का 2 के है, ये माइनस का 10 बराबर 0। इनको देखो जोड़ो तो क्या हो जाएगा, -7 के -10 = 0 और -7 के = 10 और के इक्वल आएगा 10/-7। अर्थात जो के है उस के की वैल्यू आपने क्या अपना फाइंड कर लिया है, -10/7। तो इस तरह से आपको जो के है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब दोनों रखें आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो तब, ठीक है ना। तो ही हमने भी इसके बारे में पढ़ा है। अब देखो कुछ और टाइप के सवाल। अब देखिए अगर हम और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें देखो आपको दो प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन प्राप्त करना, अगर आपको उसका पासिंग पॉइंट दिया जाए और साथ में वो एक दूसरी रेखा क्या हो, समांतर हो, या दूसरी रेखा क्या हो, लंबवत हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको एक रेखा ये दी गई पहले से, और मान लो इसकी समीकरण आ रही है x-1/2 y-2/3 z-1/4, और आपसे पूछा है कि आप इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो आपकी 1, 2 और मान लो -5 से गुजरती है रेखा। आपको इस रेखा के समांतर इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1, 2, -5 से गुजरती है। अब मेरी बात सुनो, जब ये रेखा इसके समांतर होगी तो इसके जो दिक अनुपात है वो डायरेक्ट इसमें काम आएंगे सीधे, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले, यानी दी गई रेखा के दिक अनुपात, और उसके देखो दिक अनुपात मैंने आपको ज्ञात करने का तरीका बता रखा है, कहता x का y का z का गुणांक 1 + 1 होना चाहिए तभी वो इसकी कहोगे दिक अनुपात होंगे नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास आगे 2, 3, 4, ठीक है ना।
अब देखना आपको बिंदु 1, 2, -5 से जाने वाली रेखा का समीकरण। जब आप इसका समीकरण बनाओगे तो यह आएगा x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। अब देखो ये तो होगा x1, y1, z1 का मान, ये होगा आपका ABC का मान, क्योंकि इसमें डायरेक्ट काम आएगी, ठीक है ना। तो माना आपका आ गया x-1/2, y-2/3, z+5/4। तो ये आप रेखा का समीकरण इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं जब किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा एक दूसरी रेखा क्या हो, समांतर हो, तो उस टाइम आप ये 2, 3, 4 इसके सीधे अनुपात काम लेके उसका समीकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अलावा देखो आपको पता है कि जब कोई रेखा मतलब उसके समांतर नहीं हो, यानी जब समांतर नहीं हो उसके लंबवत हो, तो आप समीकरण कैसे प्राप्त करोगे। अब जैसे मान लो ये प्रश्न आपका है, आपसे ये आपको कोई रेखा दी गई है, आपको एक इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछा है जो मान लो आपकी 1, 2, 4 से गुजर रही है और इसके ऊपर क्या ये लंबवत है, ये रेखा इस बार इस पर क्या है लंबवत है, और आपसे इस लंब रेखा का क्या पूछा है समीकरण पूछा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, इस रेखा के देखो अनुपात आप क्या मान लेंगे, एक बार ABC मान लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे बिंदु, पहले आप मान लो माना नई रेखा के दिक अनुपात आपने दे दिए ABC, ठीक है ना। अब देखो दी गई रेखा के दिक अनुपात देखना, आपको दी गई रेखा के दिक अनुपात है, जो दी गई रेखा आपके पास है उसके दिक अनुपात मेरे पास आ रहे हैं 2, 3, 4 आ रहे हैं, 2, 3, 4। अब देखो प्रश्नानुसार दोनों आपस में लंबवत है ना, जब दोनों लंबवत है तो इस बात का मतलब यह होगा कि इनके दिक अनुपातों का जो गुणनफल होगा आपका वो बिल्कुल क्या आएगा आपस में। लेकिन ध्यान रखना इसमें जब आपको ऐसा सवाल पूछेगा ना तो उसमें आपको कम से कम दो रेखा देखो, ठीक है ना, ये दो पर लंबवत आएगी, एक रेखा आपको और भेजेगा साथ में। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर आ रही है x-3/-1, y-4/2, z-5/6, ऐसे मान लो दो रेखाएं आपको मिलेगी। जब आपको एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा तो वो क्या आएगी, दो रेखा पर बिल्कुल क्या आएगी लंबवत आएगी। तो ये आपको दो ही कंडीशन वहाँ पर मिलने वाली है। तो दी गई रेखाओं के दिक अनुपात आपके पास एक तो ये आ रहे हैं और साथ में क्या आ रहे हैं, तथा दूसरी रेखा के दिक अनुपात मेरे पास आ रहे हैं ये। जब दूसरे के मानेंगे तो मेरे पास आएंगे कितने, -1, 2, 6। अब देखो प्रश्नानुसार आपको पता है कि ये रेखा जो जैसे मान लो आपको इस AB का समीकरण आपको ज्ञात करना है, ये मान लो मेरे पास CD है, ये मान लो मेरे पास क्या है EF है। जो आपकी रेखा AB है ना वो CD पर भी लंबा रही है और रेखा AB है वो आपकी EF पर भी क्या रही है लंबा रही है। तो आपको यहाँ पर अपनी लंबवत की शर्त लगा देनी है, यानी आप लिखोगे प्रश्नानुसार जो रेखा आपकी AB है ना वो किस पर CD पर लंब है, तो इसका मतलब आप इसमें भी शर्त लगाएंगे कौन सी, a1a2+b1b2+c1c2=0। अब यहाँ पर a1 का मान तो आप ले लेंगे कितना, ये a हो गया मेरे पास, और a2 का मान हो गया कितना 2, प्लस फिर इसका मान b हो गया, b2 का हो गया 3, इसका c हो गया, फिर इसका 4=0 आ रहा है, फिर 2a+3b+4c=0, इसको मैंने एक बार क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है ना। ये तो पहले आपने इसमें एक रिलेशन इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब देखो जो दूसरा रिलेशन है वो आपको पता है कि AB रेखा आपकी EF भी लंबा रही है, यानी AB है वो किस पर परपेंडिकुलर है, EF पर है। तो जब AB EF पर भी परपेंडिकुलर है तो आपको पता है इनके भी दिक अनुपातों का गुणनफल क्या आएगा आपका, बिल्कुल 0 आएगा। जब इनके दिक अनुपातों का गुणनफल 0 आएगा तो मतलब आपके पास क्या रहेगा, -1a+2b+6c=0, ये मान लो मेरे पास आ रही है समीकरण नंबर 2 आ रही है। तो देखो आपने ये इस तरह से समीकरण 1 और देखो 2 प्राप्त कर ली है। अब देखो समीकरण 1 और देखो 2 दोनों को सरल करके आपको ABC का जो अनुपात है वहाँ पर आपको प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखो इनसे दिक अनुपात निकालना, देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल। ये मेरे पास है 2a+3b, तो देखो +4c=0, ये ना आपके पास, और ये दूसरी है -1a+2b+6c=0। इनको हल कर लेगा मतलब a बटा
फिर माइनस बी बटा फिर सी बटा, ये रूल आप उसमें लगाना है। अब देखो ए के बटे में क्या आएगा, ये एक वाले अंक छोड़ने आपको, ये अंक लेने आपको कौन से, 3, 2, 4, 6, इसके लिए आप इनको छोड़ेंगे 2, -1, 4 और 6, इनको छोड़ेंगे आप 2, -1, 3 और ये 2। अब इसको सरल करने पर मान आपका आएगा 18, -8, माइनस बी बटा 12, +4, सी बटा 4, +3, ए बटा 10 और या माइनस बी बटा कितना आएगा 14 और सी बटा आएगा 7, ठीक है ना। अब अगर ये आप इसमें करते हैं तो इनको काटे ना, नहीं करते ना तो सीधे आपके पास कह देंगे जो ए बी सी का जो दिन अनुपात आपके पास है वो कितना आ गया है, वो 10:14:7 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको नई रेखा क्या प्राप्त हो गए, दिग अनुपात। अब आप लिखोगे इसलिए बिंदु 1, 2, 4 से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो आ गया x-1/10, y-2/14, z-4/7। तो इस तरह से आप इस रेखा का जो समीकरण है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा है जब आपको एक दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछे और साथ में वो दो रेखाओं पर लंब बताए, तो ये आपको इस तरह से शर्त को लगानी है। तो ये था हमारा सवाल, इसमें बार 14.3 से संबंधित जो प्रश्न है वो आपका हो गया है। अब देखो हम बात करते हैं 14.4 से संबंधित कुछ किस्मों के बारे में। अब इसमें देखो एक तो आपका प्रश्न ये बनता है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, इसके टाइप का सवाल आपका होता है। तो देखो मैं अभी एक सवाल इस तरह का ले रहा हूँ जिसमें आपको जांच करना है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। अगर वो प्रतिच्छेद करती है तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, और अगर प्रतिच्छेद नहीं करनी है करती है तो आपको उसमें आगे कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो देखो उस टाइप का जब प्रश्न आएगा तो उसको आपको करना कैसे है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उस टाइप का सवाल। अब जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर भी मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास प्रश्न है एक, जैसे ये प्रश्न है मेरे पास कि इसमें आपके पास ये आ रहा है, एक तो मेरे पास पहले क्या आ रहा है रेखा समीकरण आ रहा है x-4/1 बराबर, फिर आ रहा है y+3/-4 बराबर, फिर आ रहा है z+1/7। ये मान लो मेरे पास पहली समीकरण रेखा की, और दूसरी मान लो समीकरण आ रही है मेरे पास x-1/2 बराबर, फिर आ रहा है y+1/-3 बराबर आ रहा है, फिर आ रहा है z+10/8। ये मेरे पास है समीकरण नंबर 2। अब देखो ये आपको दो समीकरण दी गई है तो पूछा है कि ये परस्पर काटती है या नहीं काटती है। अगर काटती है तो आपको इसमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, और अगर नहीं काटती है तो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं आपको। अब देखो इसके लिए आप देखो करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे मान लो कि आपके पास दोनों रेखा होगी ना, अगर ये दोनों काटेगी तो आपको पता है कि केवल एक ही बिंदु पर काटेगी, और अगर नहीं काटेगी तो ये दोनों अलग अलग बिंदु पर आपकी उतरेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले आपको इनके बराबर जो क्या मानना है, इसके बराबर आप मान लेंगे या तो लेमडा और म्यू मान लो आप, नहीं इसको आप R1 R2 मान लो, तो बराबर आप इसके मान लो R1, इसके बराबर मान लो आप R2, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास ये रेखा फर्स्ट है, ये मान लो आपके पास रेखा सेकेंड है, इस पर आपने यहाँ पर बिंदु P लिया है, इस पर आपने बिंदु Q लिया है, ठीक है ना। ये रेखा का समीकरण आपका है x-4/1 बराबर y+3/-4 z+1/7। आपने इसके बराबर R माना एक बार R1, फिर दूसरी मेरे पास है x-1/-2 +2 बराबर y+1/3 बराबर z+10/8 बराबर R2। इसके बराबर आपने R1 माना है, इसके बराबर आपने R2 माना है। अब देखिए आपने एक बार क्या कर लिया है, यहाँ पर आपने कोई बिंदु P मान लिया है, इस पर आपने कोई बिंदु Q मान लिया है, तो पहले हमें इस बिंदु P और Q क्या निकालने पड़ेंगे, निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। अब देखो P और Q के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो पहले आप लिखेंगे माना रेखा प्रथम पर कोई बिंदु P है तो आपको लिखने पड़ेंगे P के निर्देशांक,
अब देखो जब आपने इस पर कोई बिंदु P मान लिया है तो P के देखो निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर देखो P का निर्देशांक निकालने का मतलब होता है कि आप इस रेखा से एक्स वाई जेड का मान निकालो। तो इस एक्स का मान आएगा मेरे पास आर वन प्लस चार आ जाएगा, मतलब ये मान पहले आपको इसके बराबर रखना है, ठीक है ना। तो इस एक्स का मान आएगा मेरे पास कितना, आर वन प्लस चार आ गया। दूसरा जब आप इससे वाई का मान निकालोगे क्या आएगा आपका मान, माइनस का चार आर वन माइनस तीन आ जाएगा, माइनस चार आर वन माइनस तीन। और जेड का मान क्या आएगा, सात आर वन माइनस एक, ठीक है ना। और अब देखो दूसरा, फिर मान लिया माना रेखा द्वितीय पर कोई बिंदु Q है, तो देखो आपको लिखने पड़ेंगे Q के निर्देशांक। तो देखिए जब आप Q के निर्देशांक लिखोगे तो यहाँ पर देखो आपका तरीका होगा कि इससे आपको R2 बराबर मान लिया x वाई जेड का मान निकालो वैसे, तो पहले आएगा दो आर टू प्लस एक आ जाएगा, दो आर टू प्लस एक, फिर इससे y का मान आएगा तीन आर टू माइनस एक आ जाएगा, तीन आर टू माइनस एक, फिर आएगा आठ आर टू माइनस दस आ जाएगा, आठ आर टू माइनस दस। तो ये पहले आपने इसमें क्या लिख दिया, अभी इन दोनों रेखाओं पर आपने दो अलग अलग बिंदु मान लिए हैं, एक पर आपने बिंदु P माना है और एक पर आपने बिंदु Q माना है। अब देखो अगर दोनों रेखाएं आपस में काटेगी तो भाई, अगर देखो जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर दो रेखा काटती इस तरह से तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु यही होता है ना भाई, उनका जो काटने वाला बिंदु होगा वो केवल एक बिंदु दोनों कॉमन आएगा। अगर ये दोनों काटेंगे तो दोनों का ही जो कॉमन बिंदु हो बिल्कुल क्या आएगा, यानी P और Q आपके अलग अलग यानी एक बिंदु पर आएंगे, ठीक है ना। तो आप लिखोगे यदि रेखा प्रथम व द्वितीय प्रतिच्छेद करे, तो आपको पता है कि जो P के निर्देशांक है वो किसके बराबर आएंगे, बराबर Q के जो निर्देशांक है उसके बराबर आएंगे। अगर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो जो P के निर्देशांक है वो किसके बराबर आएंगे, Q के निर्देशांक के बराबर। अब देखो P का मान तो मेरे पास कितना है, R1 प्लस चार, फिर है माइनस चार आर वन माइनस तीन, फिर है सात आर वन माइनस एक। उधर देखो Q का मान क्या है, दो आर टू प्लस एक, फिर तीन आर टू माइनस एक, फिर है आठ आर टू माइनस दस, ठीक है दोनों बराबर रख दिए। अब देखो करना क्या है, अगर ये दोनों आपस में काटेगी तो इनका एक्स वाई जेड का मान तो बिल्कुल समान ही आएगा दोनों का, यानी ये जो एक्स वाला मान है वो बिल्कुल इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अब आपको इनमें डायरेक्ट क्या करना है, निर्देशांकों की तुलना करनी है। तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, जैसे तुलना कराओगे ना आप तो आपको पता है ये एक्स वाला मान उस एक्स वाले के बराबर आएगा। तो आपने क्या लिख दिया है, जो आर वन प्लस चार है वो किसके बराबर आ रहा है, दो आर टू प्लस एक के बराबर आ रहा है। इसको सरल करके जब आप समीकरण बनाओगे तो बढ़ेगी आर वन माइनस का दो आर टू और बराबर माइनस का तीन, ये मान लो आपने समीकरण नंबर तीन बना लिया, ठीक है ना। इसी तरह आपको क्या करना है, वाई का गुणांक भी तुलना करना है इससे, यानी माइनस का चार आर वन माइनस तीन बराबर आ रहा है किसके, ये तीन आर टू माइनस एक के क्या रहा है, बराबर आ रहा है। इसको सरल करोगे तो माइनस का चार आर वन माइनस का तीन आर टू और बराबर आ गया प्लस का दो, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख दोगे, यानी चार आर वन और प्लस तीन आर टू बराबर माइनस का दो, समीकरण नंबर चार। अब देखो पहले आपने ये समीकरण नंबर देखो तीन और चार आप प्राप्त कर लिए, अब देखो तीन और चार को जब आप हल करोगे तो हल करके आपको यहाँ पर आर वन आर टू का मान प्राप्त करना है। तो मैं लिख दिया समीकरण तीन व चार को हल करने पर, त्या तीन तो देखो मेरे पास इसका आर वन कितना चार है, इसका एक है, तो इसको चार से गुणा कर दो आप, तो चार आर वन माइनस का आठ आर टू बराबर माइनस से आते हैं बारह, फिर चार आर वन प्लस तीन आर टू बराबर माइनस का दो, इनको घटाना आपको तो कट रहे दोनों भी, यहाँ माइनस के आ रहे हैं ग्यारह आर टू, उधर आ रहे हैं कितने माइनस के दस आ जाएंगे आपके पास। और सरल करके जो आप आर टू उसका मान निकालेंगे तो मान लो आपका ये मान कितना देगा, दस बटे ग्यारह देगा, ठीक है ना। और
जब आपने ये R1 का मान निकाल लिया है तो इसी तरह आपको क्या करना है, जो R2 है उसका देखो मान भी आपको क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना। R1 R2 देखो दोनों का मान आपको बिल्कुल यहाँ पर प्राप्त कर लेना है। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो आप R2 का मान इतना निकाले और R1 का आप अलग निकालोगे। अब देखो दोनों मान आप क्या करेंगे, आपको ऐसा करना है इन दोनों मानों को वापस आपको कहाँ रखना है, इन दोनों मानों को देखो आपको यहाँ रखना है इसमें, या R1 का मान रखोगे तीनों जगह या R2 का मान तीनों जगह रखोगे। अगर आपके इनके निर्देशांक बराबर आ जाते हैं, जैसे मान लो कि एक बार मान लो कि P का आपका आ गया एक दो चार रखने पर, और मान लो Q का भी आपका आ गया एक दो चार, अगर ये समान आ जाएंगे ना तब तो क्या करेगी, ये प्रतिच्छेद करेगी और वो बिंदु क्या हो जाएगा आपका, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। अगर मान लो इसके एक दो चार आ रहे हैं और मान लो इसके आपके आगे माइनस तीन एक और ये दो आगे, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, इसका मतलब इनका कोई बिंदु घनिष्ठ नहीं है, तो दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये आपको इस तरह से इसको सवाल को हल कर लेना था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको तरीका समझा दिया है, जब भी आपसे पूछे कि दो रेखाएँ प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, तो आप इनको इस तरह से कर सकते हो। अब देखिए अगर हम आगे बात करते हैं और प्रश्नों की, तो उसमें देखिए आप आगे वाले प्रश्नों में, जैसे मान लो कि हम अब देखो दो विषम तले जो रेखाएं होती है ना, उनके देखो बीच की दूरी काटने का तो फॉर्मूला होता है। एक सवाल देखो हम उस टाइप का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम एक सवाल और भी पढ़ने वाले हैं, किसी बिंदु से किसी रेखा की जो लंबवत दूरी होती है वो भी देखो आपको प्राप्त करनी है, और वो आप कैसे प्राप्त करेंगे तो वो देख लो आप। यानी किसी एक बिंदु से आपको, जैसे मान लो उदाहरण नंबर 16 की बात करते हैं, इससे मान लो आपके पास कोई बिंदु P आ रहा है, और इस बिंदु P यानी एक दो तीन आ रहा है मेरे पास, ये इससे आपको क्या करना है, एक रेखा मान लो ये मेरे पास, इस बिंदु की आपको इस रेखा से लंबवत दूरी है वो प्राप्त करनी है। वो रेखा मान लो मेरे पास क्या है, x माइनस 6/3 बराबर दूसरी है y माइनस 7/2, फिर z के लिए मान क्या रहा है, जेड माइनस 7/-2। अब आपसे पूछा क्या है कि बिंदु 1, 2, 3 से रेखा x माइनस 6/3 बराबर y माइनस 7/2 बराबर z माइनस 7/-2 पर डाले गए लंब की आपको लंबाई वो ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस रेखा पर कोई बिंदु मानना है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर कोई बिंदु क्यों मान लिया, तो सबसे पहले आपको इस पर कोई बिंदु क्यों मानना है, और क्यों मान के आपको क्या करना है, उस क्यों के निर्देशांक प्राप्त करने पहले, और क्यों के निर्देशांक प्राप्त करने के बाद में आपको जो दूरी पी क्यू है वो आपको प्राप्त करनी है। अब देखो यहाँ पर क्यों के निर्देशांक कितने आएंगे, देखो क्यों के निर्देशांक के लिए क्या करना आपको, इसके बराबर आपको लेमडा वगैरह कुछ मान लो अपने हिसाब से, लेमडा मान लिया आपने, ठीक है ना। अब इससे एक्स का मान तो क्या आएगा, 3λ+6 आएगा, फिर वाई के लिए आएगा आपका 2λ+7 आएगा, 2λ+7, फिर आएगा 7-2λ। तो ये आपने पहले क्या प्राप्त किया, जो बिंदु Q है उसके आपने निर्देशांक प्राप्त कर लिए, जो कितने आ गए, 3λ+6, 2λ+7 और 7-2λ। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, माना रेखा पर कोई बिंदु Q है तो आपको लिखने पड़ेंगे Q के निर्देशांक, और मान लो रेखा का समीकरण आपका क्या है, मान लो AB समीकरण, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आगे 3λ+6, 2λ+7, 7-2λ। ये आपने पहले क्या मान लिया है, इस रेखा पर आपने कोई बिंदु Q मान लिया है। अब देखो आपको पता है कि इस रेखा के दिग अनुपात तो आपके दे रखे हैं ये सीधे, और इस PQ रेखा है उसके दिग अनुपात आपको निकालनी है, और आप चाहते हैं कि दोनों आपस में लंबवत आ रहे हैं, तो इनके दिग अनुपात में लंबवत के सत लगा पहले हम लेमडा का मान प्राप्त कर लेंगे। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा रेखा AB के दिग अनुपात। देखो अगर हम AB के दिग अनुपात की बात करें ना, तो देखो ये तो पहले से दिया गया आपको कितने, क्योंकि एक्स वाई जेड का गुणा किया गया तो आएगा 3, 2 और माइनस का 2। फिर आपको लिखना पड़ेगा रेखा PQ के दिक अनुपात। देखो जब आप PQ के दिक अनुपात को लिखोगे ना, तो आपका मान आएगा 3λ+6-1 और 2λ+7-2 और फिर 7-2λ-3। तो ये मेरे पास आएगा 3λ+5
दो लेमडा प्लस पाँच और चार माइनस दो लेमडा, ये आपने बिचारे देश के दिग अनुपात लिख दिए है। अब देखिए आपको यहाँ पर पता है कि जो रेखा पी क्यू है ना वो बिल्कुल ए बी पर क्या लंबवत आ रही है, और जब लंबवत आती है यानी परपेंडिकुलर आती है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का जो गुणनफल क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा चूँकि पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर यानी लंबवत है, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर क्या देगा, जीरो आ जाएगा। या ए वन का मान मेरे पास तीन आ रहा है, ये तीन लेमडा प्लस पाँच प्लस दो इंटू फिर आएगा दो लेमडा प्लस पाँच फिर माइनस दो इंटू चार माइनस दो लेमडा बराबर जीरो आएगा। अब देखो इसको सरल करने पर आपका मान आएगा ये नौ लेमडा प्लस पंद्रह और प्लस में चार लेमडा प्लस दस फिर माइनस आठ प्लस चार लेमडा बराबर जीरो। तो ये आपने अभी क्या लिख दिया है, इनके जो दिग अनुपात है उनका आपने ये गुणनफल लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर देखो लेमडा की बात करें तो बता आपको नौ लेमडा चार लेमडा चार लेमडा आठ और नौ कितने हो गए, सत्रह लेमडा हो गई है। और अगर आप इसमें अचर पद की देखो बात करेंगे तो देखो ये मेरे पास कितना है, पच्चीस है, पहले पच्चीस में से जब आप आठ लेस करोगे तो क्या बचेगा आपका, सत्रह बचेगा, तो प्लस का सत्रह बराबर जीरो। और जब आप इसको सरल करके यहाँ पर लेमडा का मान प्राप्त करोगे तो मान आएगा सत्रह लेमडा बराबर माइनस का सत्रह और लेमडा का मान आएगा माइनस में एक। तो ये इस तरह से आप पहले लेमडा का जो मान है वो आप माइनस एक प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आपको तो ये क्या पूछे, दूरी पूछिए ना। अब दूरी पूछने का मतलब सबसे पहले आपको बिंदु की क्यू की लिखनी पड़ेगी निर्देशांक, यानी आप लिखोगे इसलिए बिंदु क्यू के निर्देशांक। देखो अगर आप बिंदु क्यू के निर्देशांक की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा मेरे पास तीन इंटू लेमडा का मान क्या, मेरे पास माइनस एक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तीन इंटू माइनस एक प्लस छः, फिर आपको करना है दो इंटू माइनस एक प्लस सात, फिर सात माइनस दो इंटू माइनस का एक। इनको देखो सॉल्व करने पर आपका मान आएगा कितना, ये माइनस का देखो तीन है प्लस छः माइनस दो प्लस सात यानी सात प्लस दो। तो देखो आपका यहाँ पर मान क्या जाएगा, तीन ये मान तीन बच गया, ये चार हो गया, फिर जाएगा आपका नौ नहीं सॉरी तीन पाँच और ये नौ। तो जो बिंदु आ है उसका निर्देशांक आपके पास कितना आ जाएगा, तीन पाँच और नौ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसके मेरे पास निर्देशांक क्या आ गए हैं, तीन पाँच और नौ ये आ गए। लेकिन देखो आपको सवाल में क्या पूछा है, आपको इसकी लंबवत दूरी पूछी है ना। अब देखो दूरी निकालने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो दूरी वाला देखो आप इसमें रूल लगा देंगे अभी अपना, यानी आपको लिखना पड़ेगा लंबवत दूरी पी क्यू, लंबवत दूरी पी क्यू। तो देखो इसमें आपको दूरी वाला फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। देखो ये प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरे पास है एक्स वन वाई वन जेड वन, ये है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो माना आपका आ गया तीन माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस पाँच माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस नौ माइनस तीन का होल स्क्वायर। जब इसको आप सरल करोगे तो यहाँ पर आएगा दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस फिर बाद में आ रहा छः का स्क्वायर, यहाँ पर है चार प्लस नौ प्लस छत्तीस ये उनचास आ रहा है, तो ये मेरे पास आ रहा है सात इकाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो लंबवत दूरी पी क्यू है उसका मान आप सात इकाई प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको सिखाया है किसी एक दिए गए बिंदु से रेखा की जो लंबवत दूरी है वो आपको कैसे प्राप्त करनी है, ये मैंने आपको अभी समझाया है। अब देखो जो आपका अगला प्रश्न आता है, दो विषम तले जो रेखाएँ होती है उनके मध्य की आपको न्यूनतम जो दूरी होती है वो आपको कैसे प्राप्त करनी है, एक आप इस टाइप का सवाल भी देख लो। दो विषम तली रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो आपको कैसे प्राप्त करनी है, तो देखिए इसके लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा अपना वो काम में आपको लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, इनके जो फॉर्मूले हैं उनकी देखो हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास अभी एक प्रश्न आ रहा है, मान लो तो इनके देखो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो आपने सदिश रूप में पढ़ रखा है, तो मेरे पास ये है आई प्लस यानी आर का मान आ रहा है मेरे पास आई प्लस दो जे कैप प्लस तीन के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस
के का। ये तो मान लो आपके पास क्या रहा है, रेखा जो फर्स्ट है वो आपको प्राप्त हो रही है, यहाँ पर चलो आप इसको के मान लो, ठीक है ना, के है ये। फिर अगर देखो आप इसमें दूसरी रेखा की बात करें तो मेरे पास है आर बराबर दो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और प्लस में म्यू, और देखो म्यू के इनटू मेरे पास क्या रहा है यहाँ पर दो आई प्लस दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस दो के कैप। ये रेखा फर्स्ट है मेरे पास, ये रेखा सेकेंड है। अब देखो इन दो विषम तले रेखाओं के बीच की आपको क्या करनी है, न्यूनतम दूरी प्राप्त करनी है, यानी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको इसमें प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर इसकी आप सीधे कंपेयरिंग करेंगे, किससे करिए, कंपेयरिंग 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 विद जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, यानी आर इक्वल ए प्लस लेमडा बी से। तो देखो इससे जब आप कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास यहाँ पर ए वन वेक्टर का मान क्या आएगा, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप आ देगा, और जो बी वन वेक्टर है उसका मान आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, और जो आपका ए टू वेक्टर है उसका मान है टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप, और जो बी टू वेक्टर है उसका मान है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस में टू के कैप। तो इस तरह से पहले आपने ए वन बी वन ए टू बी टू इन सब का माना वो लिख दिया है। अब देखो इन दोनों रेखाओं के बीच की आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो आप लिखोगे दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, ठीक है ना। तो आप टू स्क्यू लाइन्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो प्राप्त कर रहे हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कौन सा, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, और साथ में आप क्या लेते हैं बी वन क्रॉस जो बी टू है उसका आप मैग्नीट्यूड भी लेंगे। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन में आएगा बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो देखो इसमें आपको तीन चीज़ चाहिए, आप पहले हमें इन तीनों का मान पहले अलग से प्राप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राप्त करूँ मैं ए टू माइनस ए वन का मान, तो ए टू माइनस ए वन का मान आएगा मेरे पास कितना, टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस ए वन का मान है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। इसको सॉल्व करोगे तो मान आएगा आपका आई कैप और माइनस का थ्री जे कैप और माइनस का टू के कैप। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो ए टू माइनस ए वन वेक्टर है उसका मान आपने ये प्राप्त कर लिया है। अब देखो दूसरा आपको इसमें प्राप्त करना है किसका मान, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर का मान आपको प्राप्त करना है। तो आप यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप का रूल लगा दोगे। अब देखो बी वन के लिए आपके पास मान कितना है, यहाँ पर एक माइनस एक और एक आ रहा है, एक माइनस एक और एक, और बी टू का मान आ रहा है मेरे पास कितना, दो एक और ये दो। देखो जब आप इसका प्रसन्न करते हो आर वन के अनुदिश, तो आपका मान क्या देगा, आई डॉट माइनस दो माइनस एक फिर माइनस जे कैप के इनटू क्या आएगा, दो माइनस दो प्लस के कैप के इनटू क्या आएगा आपका मान एक और प्लस में दो। अब इसको सरल करने पर आपका मान हो गया माइनस में तीन आई कैप और ये जीरो जे कैप हो गया, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं वैसे, और आगे वाला मान क्या रहा है तीन के कैप ही आ रहा है। अब ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, बी वन क्रॉस जो बी टू है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब आपको साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा, यानी इसका परिमाण भी आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप बी वन क्रॉस बी टू का आप मैग्नीट्यूड लोगे यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड में इसका परिमाण होता है तो नौ प्लस जीरो प्लस नौ, यानी क्या आएगा रूट अठारह आएगा, यानी मेरे पास क्या आ गया तीन रूट दो मात्र का आ गया। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो परिमाण है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आपको इस प्रश्न में करना क्या है, आपको इसमें निकालना है अभी सवाल में क्या, कि जो आपका मान रहेगा यहाँ पर उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इसकी, देखो जो बीच की आप न्यूनतम दूरी है ना वो है, तो आप देखो यहाँ पर प्राप्त कर रहे हो ना, तो अब आपको लिखना पड़ेगा यानी एस डी बराबर फॉर्मूला लगाया आपने ए टू माइनस ए वन
ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू और बटे में आएगा बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, दूरी में स्थापित क्या होती है, धनात्मक होती है। अब यहाँ देखो सारा मान रखो, ए टू माइनस ए वन का मान तो मेरे पास आई कैप माइनस तीन जे कैप माइनस दो के कैप डॉट, जो बी वन क्रॉस बी टू है उसका मान आपके पास क्या आया था, ये आया था माइनस का तीन आई कैप और प्लस का तीन के कैप, बटे इसका प्रमाण क्या है आपके पास लिया था आपने भी कितना, तीन रूट दो लिया था, तो यहाँ तीन रूट दो कर दो आप सीधा, फिर इस पूरे का परिमाण। अब देखो उसको सरल करने पर आपका मान आएगा ऊपर वाले तो कितना रहे, माइनस में तीन, फिर ये मान जीरो हो गया, फिर माइनस में छः और बट्टे मेरे पास कह रहा है तीन रूटे दो, तो मान आपका माइनस में नौ बटा तीन रूट दो है, और आपको पता है कि मान को आपको हमेशा धनात्मक लिखना है, तो नौ प्लस का हो गया बटे में तीन रूट दो कर दिया, तीन बटा रूट दो मात्रक। तो ये इस तरह से आपको दो विषम तले जो रेखाएं होती है उनके बीच की आपको न्यूनतम जो दूरी है वो आपको प्राप्त करनी है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। अब देखो इसके बाद देखो हम थोड़ा आगे चलते हैं और भी, तो देखो अगर हम और दूसरे प्रकार की सुने की बात करें तो उसमें आपको जो अगला प्रश्न आपका आता है ये प्लेन वाले प्रश्न आते हैं आपके, जो आपको लगभग मैंने करवा रखे हैं उसमें। अब आपको जो प्रश्न पूछना है तो देखो मैं उससे समझा आपको कुछ, देखो क्वेश्चन वो यहाँ पर करवा देता हूँ। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं एक प्लेन का जो क्वेश्चन आपका है, तो देखो जो प्लेन के कुछ मतलब जो इक्वेशन होते हैं जनरल इक्वेशन वो मैंने आपको बता रखी है, उनको फिर से एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। और अब जो प्लेन से रिलेटेड देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो किस तरह के हैं, तो देखो वो मैं आपको थोड़े से एक बार करवा देता हूँ। देखो एक तो मैंने आपको बता रखा है कि जो प्लेन की क्वेश्चन वो आपकी होती है आर डॉट एन के बराबर डी, ये आपको काम में लेनी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो मेरे पास क्या होता है आर डॉट एन वेक्टर ऑफ पी होता है, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पर तो क्या ये मूल बिंदु से दूरी है लंबवत, लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो मैंने बता रखा है इसकी माइनस समीकरण क्या होती है, इसकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, ठीक है ना, ये प्लेन की होती है इसकी मानक इक्वेशन, ठीक है ना। इसके अलावा आप इसकी कार्तीय फॉर्म क्या लिखते हो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी बराबर जीरो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको अगर एक पासिंग पॉइंट दिया जाए और इसका जो लंबवत है जो तल पर इसका लंबवत सदिश होता है उसकी अगर आपको दिशा दी जाए तो उसका होता है आपका ए एक्स माइनस एक्स वन और प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड वन बराबर क्या होता है जीरो, ये आपको काम में लेना होता है, तो ये भी आपको मैंने बता रखा है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चनों की बात करें जिसमें देखो आपके पास एक प्रश्न है जिसमें लिखा है कि एक समतल है वो निर्देश अक्षों को ए बी सी पर इस प्रकार से मिलता है कि इससे निर्मित त्रिभुज ए बी सी का जो केंद्रक है वो आपको दे रखा है कितना के पी क्यू आर दे रखा है, तो प्रदर्शित करना है कि अभीष्ट जो समतल का समीकरण होगा वो आपका कहेगा ये आएगा। मतलब ये मान लो हमारे पास क्या है, ये थ्री डिमेंशन ज्योमेट्री है और यहाँ पर मान लो इस पर ये कोई समतल आ रहा है इस तरह से, और यह मान लो मेरे पास अक्ष है, यह मान लो वाई है या जेड है, यहाँ पर ए मान लो बी मान लो सी मान लो, और ये मान लो इसको ए प्रकार तो यहाँ पर हो गया ए जीरो जीरो, इसको जीरो बी जीरो मान लो, इसको जीरो जीरो और ये सी मान लो। और देखो ये मान लो त्रिभुज का क्या है कोई केंद्रक दे रखा है, त्रिभुज का केंद्रक मान लो ये पी क्या इसका केंद्रक है, और इसके देखो आपको निर्देशांक दिया गया कितने, देखो आपकी बुक में जो केंद्रक को चलो आप इसको के मान लो, ठीक है ना, के इस के के आपको निर्देशांक दे रखें कितने पी क्यू आर दे रखे हैं पी क्यू और ये आर। अब आपसे इस प्रश्न में पूछा क्या है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको सिद्ध करना है कि समतल का समीकरण क्या आएगा आपका एक्स बटा पी प्लस वाई बटा क्यू प्लस जेड बटा आर बराबर क्या आएगा तीन, ये आपको सिद्ध करना है समतल का जो समीकरण है वो आपको इस फॉर्म में प्राप्त होगा, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इस सवाल को आपको हल करना कैसे है, तो देखिए जब आप सवाल को हल करेंगे तो पहले आप दे देंगे माना समतल निर्देशी अक्षों को
निर्देशी अक्षों को क्रमशः ए ए जीरो जीरो और बी जीरो बी जीरो तथा सी जीरो जीरो सी पर मिलता है या काटता है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं चूँकि जो के है, के त्रिभुज एबीसी का क्या केंद्रक है, केंद्रक है। और जब ये केंद्रक है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अक्ष का मान क्या आएगा आपका, अक्ष वन प्लस अक्ष टू प्लस अक्ष थ्री बटा तीन। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने कि जब आप केंद्र के निर्देशांक निकालते हो तो वहाँ पर अक्ष का मतलब क्या होता है, अक्ष वन प्लस अक्ष टू प्लस अक्ष थ्री, ये होता है। तो यहाँ अक्ष का मान तो दे रखा है, पहले से आपको पी दे रखा है, यहाँ पर अक्ष वन का मान ए है, फिर ये दोनों जीरो जीरो आ रहे हैं, सॉरी बटे में यहाँ पर तीन, ठीक है, बटे में क्या रहा है मेरे पास, तीन आ रहा है। अब देखो सरल करने पर आपके पास मान क्या देगा, पी बराबर आएगा ए बटा तीन, और ए का मान मेरे पास क्या रहा है, तीन पी आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, इसी प्रकार बी आएगा मेरे पास तीन क्यू और सी आएगा तीन आर। ए का मान तीन पी हो गया है, बी का मान तीन क्यू हो गया है, और सी का मान क्या हो गया है, तीन आर। अब देखिए आपको यहाँ पर पता है कि समतल का समीकरण क्या होता है, यानी अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में जो समतल होता है उस समतल का समीकरण ये होता है आपका, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर एक, ये होता है। ये आपने पढ़ रखा है समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में। तो यह देखो अक्ष तो है मेरे पास, ए का मान मेरे क्या रखना है, तीन पी रखना है, प्लस वाई बटा इसका मान तीन क्यू, फिर जेड बटा तीन आर बराबर एक। अब देखो सबको आप तीन से गुणा करा दो एक बार, तो एक्स बटा पी प्लस वाई बटा क्यू प्लस जेड बटा आर बराबर तीन। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो समतल है उसका आपने समीकरण ये प्राप्त कर लिया है, एक्स बटा पी प्लस वाई बटा क्यू प्लस जेड बटा आर बराबर तीन। और सवाल में आपको यही सिद्ध करना था। तो ठीक है, इस तरह से आप ये समतल वाले लगभग जो प्रश्न है वो आप इनको हल कर सकते हो। उसके बाद देखो आपसे और भी देखो जो प्रश्न पूछे हैं उनमें देखो एक प्रश्न आपका आता है, यानी कोई समतल दे रखा आपको, इसको आपको अभिलंब रूप में परिवर्तित करके और आपको मूल बिंदु से दूरी और इसके जो दिक् कोसाइन है वो आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। तो देखो उसकी अगर हम देखो बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये आ रहा है एक समतल है आर डॉट, और ये लिखा है तीन आई कैप माइनस चार जे कैप प्लस बारह के कैप बराबर जीरो आ रहा है, सॉरी बराबर जीरो नहीं पाँच आ रहा है, ठीक है ना, बराबर पाँच आ रहा है। अभी समतल का आपसे पूछा क्या है, इसका अभिलंब रूप में पहले आपको इसको परिवर्तित करना, बाद में इसकी मूल बिंदु से लंब दूरी और आपको प्राप्त समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात आपको दिक् को जो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी की फॉर्म में आपको लेके आना है, अगर ये कार्तीय रूप में है तो। और अगर कार्तीय रूप में नहीं है तो आपको लेके आना पड़ेगा आर डॉट एन के बराबर डी, इस फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। सदिश रूप में तो इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, और कार्तीय रूप में तो आपको उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ये कार्तीय वाली फॉर्म वही काम में ले लेंगे। तो देखो कार्तीय वाली फॉर्म काम में लेने क्या करना आपको, इसको आप लिखेंगे कितना, यानी आप लिखोगे कार्तीय रूप में बदलने पर। तो देखिए कार्तीय रूप बदलने का तरीका होता है कि इसका मान तो आ गया मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट, यहाँ पर है तीन आई माइनस चार जे कैप प्लस बारह के कैप बराबर पाँच। ये फॉर्म आ जाएगा आपस तीन एक्स प्लस माइनस में चार वाई प्लस बारह जेड बराबर पाँच। ठीक है, तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया, जो समतल है उसको आपने कार्तीय रूप में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है। अब दूसरी बात, इसको आपको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की फॉर्म में पर तो ये देखना है कि ये मान आपका प्लस होना चाहिए सरपद, अच्छा सरपद भले सी है, अगर मान लो ये माइनस का होता तो हम क्या करते, इसको जलाते इनको उधर भेजते। अब आपको क्या करना है, जो एक्स वाई जेड के गुणांक है ना, इन तीनों के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ के रूट लेके दोनों पक्षों में आपको भागे लगाना है। तो आप लिखोगे दोनों पक्षों में रूट तीन का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर बारह का स्क्वायर का भाग देने पर।
तो देखिए ऐसा करने से आएगा मेरे पास 3x-4y प्लस 12z बटे रूट में आ रहा है 9 + 16 + 144। उधर आएगा 5 √9 + 16 + 144। इसको देखो सरल करने पर मान हो गया आपका 3x-4y + 12z बटे में देखो √169 आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है 5 √169। तो आपका मान आएगा 3 इसका मान तो 13 होता है दोनों का, ठीक है ना। इन जो दोनों का मान आपका होता है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 13 जो मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो आ रहा है मेरे पास 3 × 13x - 4 / 13y + 12 / 13z बराबर है 5/13। अब इसकी आपको तुलना करनी है, यानी मानक समीकरण LX + MY + NZ = P से तुलना करने पर, इससे आप तुलना कराओगे तो आपको बताया यहाँ पर L का मान तो मेरे पास क्या आ गया 3/13, M का आ गया -4/13 और N का आ गया है 12/13 और P का मान आ गया कितना 5/13। तो यहाँ पर मतलब मेरे पास दिक खोजे तो क्या आ गई है, यानी डायरेक्शन कोसाइन, जो दिक खोजे हैं यानी आप डी सी की बात कर रहे हो वो तो मेरे पास क्या आ रही है 3/13 - 4/13 और 12/13। और देखो जो दिक अनुपय है मेरे पास मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी, यानी यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात कर रहे हो आप, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपके पास क्या आ रही है 5/13 आ रही है, यानी 5/13 यूनिट्स आ रही है मात्रक। तो ये तो अभी आपने कैसे कहा है, कोई भी समतल है उसके जब आपको इस तरह से मान दिया जाए तो उसमें आप किस तरह से जो अपना मान है वो प्राप्त करते हो। अब देखो आपका अगला प्रश्न आता है, एक जो आपका नेक्स्ट इसमें प्रश्न आएगा वो आएगा दो समतलों के बीच का कोण प्राप्त करना। एक तो प्रश्न आपका आएगा दो समतलों के बीच का कोण प्राप्त करना, एक और एक दो प्रश्न आपका बनता है वो दो यानी एक समतल और एक रेखा के बीच का आपको कोण प्राप्त करना है। तो देखो दोनों के लिए आपको अलग अलग तरीका है वो ध्यान में रखना है। तो जैसे मान लो बात करते हैं दो समतलों के बीच के कोण की, तो मेरे पास ये आ रहा है आर डॉट मान लो 2i कैप और माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप बराबर कितना आ रहा है मेरे पास मान लो 6 आ रहा है। ये मान लो मेरे पास कोई पहला समतल हो गया, ठीक है ना। दूसरा जो समतल आपका है वो है आर डॉट फिर 3i कैप और बाद में आ रहा है प्लस का 6j कैप और माइनस का 2k कैप बराबर मेरे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ये मान लो मेरे पास दूसरा समतल है, वो मान लो मेरे पास क्या है पहला समतल। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समतलों के मध्य कोण प्राप्त करना है। तो सीधे आप देखो इनकी तुलना करा देंगे, यानी आर डॉट एन वेक्टर बराबर पी से तुलना करने पर, ये अभिलंब रूप में नहीं आप, ठीक है ना, एक सिंपल रूप में है। तो इनसे तुलना कराओगे तो मेरे पास N1 का मान तो क्या आ रहा है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप। देखो अभिलंब रूप में तो क्या होता है, ये एन कैप होता है, एन नहीं होता, ठीक है ना। और N2 वेक्टर का मान मेरे पास क्या रहा है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप। और आपने दोगे माना दो समतलों के मध्य कोण थीटा है, इसका मतलब कोस थीटा का मान मेरे पास क्या देगा N1 / N2 अपोन में आएगा N1 का परिमाण और N2 का परिमाण। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास मान क्या आएगा, या तो आएगा 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2k कैप फिर डॉट यहाँ पर मेरे पास आएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप और जो बट्टे में आपके पास यहाँ पर मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी इसका पहले आपको प्रमाण लेना है। तो यह आएगा 4 + 1 + 4 फिर इसका आएगा 9 + 36 + और ये 4। इसको देखो सरल करोगे तो प्रॉब्लम आ रहा है 6 फिर -6 - 4 यहाँ पर आ रहा है √9 और यहाँ पर आ रहा है √49। इन्हें काट लोगे आप सीधा तो देखो मेरे पास कोस थीटा का मान क्या देगा भैया, ऊपर तो आ रहा माइनस का 4/3 और ये 7
कोस थीटा का माना गया माइनस में चार बटा इक्कीस और थीटा का माना गया है कोस इनवर्स माइनस में चार बटा इक्कीस। तो इस तरह से आपको क्या करना था, दो समतलों के बीच का जो कोण था वो आपको ऐसे प्राप्त करना था। अब देखो इस प्रश्न में देखो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी स्टडी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।